मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में प्रशासन और सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीरें दमोह जिले के बटियागढ़ जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले खड़ेरी संकुल के धौराज शासकीय माध्यमिक स्कूल की हैं। यहाँ बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं। विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार लगातार उन पर पैसा खर्च करती है, लेकिन बच्चे स्कूल में आकर पढ़ाई की जगह ऐसे काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। मीडिया ने स्कूल की व्यवस्थाओं से जुड़ी पड़ताल की। यहाँ शिक्षिका के सामने बच्चे झाड़ू लगाते नजर आए, झाड़ू लगाकर कचरे को बाहर फेंकने के लिए जाते दिखे और बच्चों से ही स्कूल के दूसरे तमाम काम भी कराए जा रहे थे। इस मामले में स्कूल की प्रधान अध्यापक नीतू ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कभी कभार बच्चों से झाड़ू लगवा लेते हैं जिससे स्कूल में साफ सफाई रहे। कौन सा स्कूल है? नवीन वाले खाला धोरा। ये साफ सफाई चल रही थी क्या अभी? नहीं, ऐसा ही करा रहे थे बच्चों से थोड़ा सा। तो ये कौन क्लास के बच्चे हैं? ये सिक्स क्लास है। तो झाड़ू लगा रहे थे स्कूल में बच्चे? आज वो थोड़ा ज्यादा कचरा कचरा हो गया था तो हमने कहा करवा ले बच्चों से साफ। तो आप लोग इनसे साफ सफाई करवाते रहते हैं? नहीं, वैसे नहीं कराते सर, कभी कभार। कभी कभार? तो ये कोई अभियान को लेकर काम चल रहा था क्या? स्वच्छता के अंतर्गत कभी कभी करा लेते हैं हम, हमेशा नहीं कराते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? इरादा रबाल। किस स्कूल में पढ़ते हैं? साज के नवीन माध्यमिक शाला धौराज। आप अभी झाड़ू लगा रहे थे? यस। स्कूल में? यस सर। कौन बोलता है झाड़ू लगाने के लिए? मैम। क्या नाम है मैम का? नीति ठाकुर। रोज लगाते हैं आप झाड़ू? कभी कभार लगा देते हैं। मैम बोलती है? यस सर। वही मामले में विकासखंड अधिकारी बीएस रावत का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और बच्चों से काम कराने वाली शिक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बटियागढ़ के बीआरसी उमेश पाठक का कहना है कि अगर स्कूल में पदस्थ शिक्षिका के द्वारा बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है तो ये गंभीर लापरवाही है और इस पर जांच करेंगे। बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे, ये गलत है और इसके लिए हमने अभी जो है, जैसे आपसे जानकारी प्राप्त हुई, हमने संकुल प्राचार्य को जो है पूरी जानकारी से अवगत करा दिया और आज ही जांच करवाई जाएगी वहाँ, और यदि ऐसा है तो मैडम जो है कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। हम जनशिक्षक को बोलते हैं कि भाई वहाँ देखें क्या मामला है, बच्चों से झाड़ू नहीं लगवाना चाहिए, बात कायदे की है। तो इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? अब मामला देखते हैं क्या स्थिति बनी, झाड़ू क्यों लगाई गई बच्चों ने। अब जब जांच करके आएंगे जन शिक्षक हमारे, बताएंगे कि भाई क्या स्थिति परिस्थिति है।